तमाम रिजेक्शंस झेले, तमाम मुश्किलें झेली, लेकिन आखिरकार अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। हमारे साथ इस वक्त हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर। आज समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो गया और आपके जरिए, जाहिर है जिन मुद्दों के लिए, जिन उसूलों के लिए आप खड़े थे, लोग जानना चाहेंगे कि अब सांसद बनकर चंद्रशेखर क्या करने वाले। उन सभी मुद्दों पर लड़ेंगे, इस देश में जातिगत जनगणना हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट्स हैं वो लागू हों, और जो बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए वो उन तक मिले, न्याय हो, न्याय जनसिद्ध अधिकार है जबकि वो होता नहीं है। क्या गरीब की हैसियत है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए या हाईकोर्ट चला जाए, बहुत पैसे चाहिए तो न्याय मिलेगा कैसे? बहुत सब चीज़ों में बदलाव की जरूरत है, और कानून डर के, कानून से डरना नहीं है, कानून को इसलिए फॉलो करना है, कानून सबके लिए, चाहे मेरे लिए भी है, सरकार के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो संविधान को अगर हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे स्कूलों में तो इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कोई भी कानून आप डरा के ना लागू कराएं, समझा के लागू कराएं तो शायद उसके फायदे होंगे, जनता समझे। आपको बीएसपी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया चंद्रशेखर जी, लेकिन आज बीएसपी के शून्य सांसद, पिछली बार भी और इस बार भी, और आप संसद में हैं, क्या चंद्रशेखर ने रिप्लेस कर दिया बीएसपी को? नौजवानों को स्वीकार किसने किया? बीएसपी छोड़िए ना, बाकी लोगों ने कितने लोगों ने स्वीकार किया? सबने तो कोशिश की कि चंद्रशेखर हार जाए, लेकिन नगीना की महान जनता मेरे साथ खड़ी थी और हमारे संगठन के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लोगों ने बहुत मेहनत की। बहुत मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार के साथ होकर के साधे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। माने कि आप एनडीए के साथ सहयोग करेंगे? संविधान में सत्ता के साथ विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अगर विपक्ष ईमानदार और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को अदा करे, हम विपक्ष में रह के भी सरकार से काम करा के दिखाएंगे, आप देखना। एक बड़ा मुद्दा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू हटाई गई है, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा यहाँ संसद में। हाँ, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, महात्मा गांधी, बाबा साहब सब। हाँ, क्यों हटाई है उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, देश के अरबों लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी दो बार से लगातार जीत रही थी, इस बार नहीं जीत पाई, चंद्रशेखर क्या कारण मानते हैं? उनका अहंकार और उनके नेताओं ने जो बड़बोलापन दिखा के संविधान के विरोध में बात की। संविधान इस देश की आत्मा है, हर आदमी चाहे किसी पार्टी में संविधान से प्यार करता है क्योंकि अवसर वहीं से पैदा होते हैं। अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो जनता उसको सबक सिखाएगी। उसके बाद बहुत डैमेज कंट्रोल करने का उनके बड़े नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन जनता में वो बात चली गई थी, और फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लोगों ने अपनी संविधान के प्रति जिम्मेदारी अदा की ये बता के कि तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, और ये रिप्रेजेंटेशन जो उनको मिला है करने के लिए नगीना के लोगों के जरिए, धन्यवाद दे रहे हैं, और रुख साफ है एनडीए के साथ शायद ही वो जाए। कैमरामैन संजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।